कृषि विपणन और पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने आज सुबह सचिवालय में विभाग का पदभार संभाला और इस दौरान उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने प्रदेश की कृषि मंडियों के विकास की बात कही। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा जी। आज आपने पदभार ग्रहण किया। मुरारी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और जिस तरह से आपने एक व्यापक जनाधार वाले नेता के तौर पर आप उभर के आए हैं, तो उसके निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं। किस तरह से डिपार्टमेंट्स की गतिविधियों को आगे ले जाएंगे? देखो, ये विभाग विशेषकर किसान वर्ग से और मजदूर वर्ग से, व्यापारियों से जुड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इसके ऊपर डिपेंड हैं। और कृषि कानून जो अभी बीजेपी ने वापस लिए, उनसे भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही लोग हो रहे थे और मेरा विभाग भी हो रहा था। हम बड़ी ऊर्जा के साथ में इस विभाग में काम करेंगे, और कैसे किसानों को फायदा हो सकता है, कैसे व्यापारियों का भला हो सकता है, और कैसे रोजगारमुखी कृषि को इससे जोड़े। हम बहुत से फूड प्रोसेसिंग की ऐसी योजना है जिनसे हम किसानों का और व्यापारी को भला कर सकते हैं। बड़ी ऊर्जा के साथ में काम करेंगे, निश्चित जनता को एक अच्छा मैसेज आएगा, 2023 में हमारी सरकार वापस रिपीट होगी। तमाम कहते हैं मीडिया का शगुफा कहें, या कह सकते हैं कि जो भी एक राजनीतिक उठापटक रही कि कहते हैं फलाना उस खेमे का है, लेकिन अब खेमेबाजी से ऊपर उठकर किस तरह से, चूंकि अब तो राज्य मंत्री परिषद के आप सदस्य हैं, तो आपके पास संपदा भी है, आपके पास पर्यटन राज्य मंत्री के तौर पर भी आप काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये उम्मीदें रहेंगी कि तमाम योजनाएं आगे बढ़ें, तो उन दोनों विभागों को लेकर भी किस तरह की योजनाएं रहेंगी? देखो, इच्छाओं को लेकर के उसको ग्रुपिंग नहीं कह सकते, हम सब एक होकर के मिल करके काम करेंगे। और इसके अलावा जो संपदा विभाग है, पूरे देश के अंदर हमारे प्रदेश की संपत्तियाँ हैं, हम कोशिश करेंगे उसका अच्छा से अच्छा सदुपयोग कैसे हो, उसका यूज कैसे हो। जो पर्यटन के मामले में राजस्थान एक बहुत अच्छा स्टेट है, हम उसमें हमारे कैबिनेट मंत्री हैं महाराज विशेंद्र सिंह जी, उनके साथ मिल करके हम कोशिश करेंगे कि पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा कैसे मिले, क्योंकि राजस्थान में इसके लिए बहुत गुंजाइश है। निश्चित तौर पर उम्मीदें हैं कि वो कृषि विपणन, क्योंकि आज तीनों जो कृषि कानून है उनको भी कैबिनेट में वापस लिया जाएगा, तो एक संयोग है कि आज ही इनका पदभार ग्रहण करना हुआ, तो निश्चित तौर पर उम्मीद है और माना जा रहा है कि उम्मीदों में आप खराबी उतरेंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।